सो है यूट्यूब, हॉप यू नॉट एंड वेल। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई डेली ब्लॉग्स। सो राइट नाउ अभी मैं जा रहा हूँ गग्गल की साइड को, क्योंकि एक्चुअल में आज यार एक्चुअल में आपने मेरा पिछला जब ब्लॉग देख रखा होगा उसमें यश ने मेरा हेलमेट पहना हुआ था। जैसे ही मेरे को हेलमेट वापस दिया उसने अपनी गर्दन पकड़ ली, बोलता कि भाई यार तू इतना हैवी हेलमेट के साथ कैसे बाइक चलाता है। एंड लिटरली उसकी स्पाइन में वगैरह, गर्दन वगैरह में सारी जगह दर्द हो गई थी उसके बाद। एंड मेरे को भी हो जाती है यार जब भी मैं लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जाता हूँ ना, इवन मैं अभी गग्गल तक भी जाऊँगा ना तब भी दर्द वगैरह हो जाएगी। बट मेरे को इस हिसाब से आदत हो गई है इस हेलमेट की कि अब पता ही नहीं चलता कि दर्द हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये हेलमेट बहुत पुराना है यार। एंड ये हेलमेट मैंने इंपोर्ट कराया था स्पेशली फ्रॉम जापान थ्रू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के थ्रू एक डीलर था, उससे कॉन्टैक्ट करके मैंने ये हेलमेट वहाँ से मंगवाया था जापान से 2017 में, जब मैंने ये बाइक ली थी। तो उस टाइम पे वेगा वगैरह के हेलमेट ही होते थे इंडियन मार्केट में, उस टाइम पे स्पोर्ट्स बाइक्स थी नहीं इंडिया में, यहाँ पे तो पल्सर वगैरह चलती थी, तो उस टाइम पे इतना हेलमेट वगैरह का क्रेज नहीं होता था यहाँ पे, तो लोग इतना प्रेफर नहीं करते थे हेलमेट वगैरह स्पोर्ट्स वाले। तो भाई यश तो आ गया है दूसरे रास्ते से, मैं उसका गग्गल में वेट कर रहा था। एक्चुअल में शॉप ऊपर है। हेलो, हाँ भाई, कहाँ है? आगे के चल गए, पीछे है तू? हाँ पीछे हो, नीचे हो गया। ठीक है, अच्छा दिख गया, गिर गई यार। कहाँ पे? घर पे ही, स्टैंड पे लगाई थी ना और गिर गई, टूट गए दोनों। फिर ये दुकान, हाँ ये अभी बंदा आ रहा है ना वेट करना, लग नहीं रहा वेट होंगे हेलमेट लग नहीं रहा हेलमेट होंगे यहाँ। ये एक हेलमेट ये था ब्लू वाला और एक ये, सो एक ये है जो मैंने फाइनल किया अभी और बहुत सेक्सी लग रहा है यार ये, ऐसा सा लग रहा है। एंड नेक्स्ट वाला दिखाते हैं आपको, इसमें कलर्स बड़े अच्छे हैं ना, इसमें सारे कलर्स हैं। सो ये वाला है, तो इसकी कलर स्कीम अच्छी है। सो भाई ये वाला हेलमेट मैंने फाइनल किया है। एक्चुअल में भाई के पास और भी पैटर्न्स वगैरह थे, सो वो डिफरेंट कलर्स में थे, जैसे ब्लू वगैरह जो अभी नए आ रहे हैं एक्सोर के ना। सो ये भी वैसे न्यू वेरिएंट है, इसमें विंग वगैरह नया आ रहा है, जैसे कि एक्सोर में पहले दूसरे विंग्स होते थे ना, सो अब ये नए डिफरेंट टाइप के विंग्स आ रहे हैं। एंड काफ़ी लाइट वेट है हेलमेट, सो इसके साथ डिफोगर वगैरह भी मिला मेरे को एंड ये सनवाइज़र भी मिला है। सो एक्चुअल में ये सनवाइज़र तो मैं कम ही यूज़ करता हूँ, बट फिर मैं ये ब्लैक वाला या फिर टिंटेड वाला वाइज़र यूज़ करता हूँ, सो मैंने एक ये वाला वाइज़र भी ले लिया एक्स्ट्रा में ब्लैक वाला। सो अभी घर पे जाके इस पर लगाते हैं। सो फिलहाल अभी मैं एक बैकपैक लेके आया हूँ, इन सबको अंदर डालते हैं एंड घर पे निकलते हैं। एंड देन उसके बाद गोप्रो वगैरह पूरा सेटअप लगेगा इसमें, एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाता फिर कैसे लगता है ये सेटअप। टिल देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। आगे से जा रहे हो तुम? चलो, हेलमेट तो मिल चुका है हमें एंड यार बहुत सेक्सी हेलमेट है। एक्चुअल में उसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट यार कॉमन बहुत है हेलमेट यार, बहुत कॉमन हेलमेट है। पहले एक्सोर के छोटे से विंग्स आते थे, सो अब बहुत बड़े विंग आ रहे हैं, वो व्हाइट वाला जो आपने देखा, सो काफ़ी कूल लग रहा है वो। सो अब घर पे जाके सेटअप करता हूँ मैं इसको, एक्स्ट्रा वाइजर भी ले लिया मैंने एक। मेन फोकस मेरा हेलमेट का नहीं था, मेन फोकस मेरा यही था कि अपनी गर्दन को बचाना यार। थोड़ा ना लॉन्ग टूर्स वगैरह में अगर मैं कहीं जाता हूँ मनाली वगैरह साइड या फिर लद्दाख वगैरह साइड, तो मेरे को काफ़ी ईजी रहेगा, बाइक का भी काम हो रखा है सारा एंड हेलमेट भी आ गया है। अब थोड़ा नए ट्रिप वगैरह का सोचते हैं, क्योंकि अब आने वाले मौसम जो है वो बहुत प्यारे होने वाले हैं, बारिश वगैरह सब जाने वाली है। ठीक है, ओके, अगर राइडर्स तैयार होते हैं मेरे साथ जाने के लिए सो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो मैं सोलो निकल जाऊंगा। सो एनीवेज सोलो का भी अपना ही अलग फन है, सो कहीं का मारेंगे हम ट्रिप यार अपनी सोनिक में, और बहुत टाइम हो गया ट्रिप वगैरह किए हुए। सो फाइनली आज हेलमेट ले लिया, आखिर पाँच साल बाद मैंने नया हेलमेट लिया, अपग्रेड किया, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि मेरे को चाहिए है एमटी का। एमटी के हेलमेट पे ये बात रहती है यार, एमटी के हेलमेट जो होते हैं ना वो स्नग फिट रहते हैं अपने मुंह के हिसाब से। तो एनीवेज ये भी बेस्ट ही है। और यार एक तो बाइक के विंग्स भी तोड़ दिए मैंने, इस साइड जो आप विंग्स देख रहे हो ना ये दो वाले जो लगे हुए हैं डाउन फोर स्पॉयलर्स, और आप इस साइड देखो इस साइड स्पॉयलर्स ही नहीं है। सो एक्चुअल में यार मैं बाइक को वॉश कर रहा था एंड मैंने नया चेन सेट डलवाया, तो उसको मैंने ल्यूब किया चेन को। सो एक्चुअल में मेरे पास पैडॉक स्टैंड्स नहीं है, स्टैंड की जगह मैंने ही ईंट लगा दी थी यार, जस्ट इमेजिन दोनों साइड ईंट पे बाइक खड़ी कर दी है। एंड जैसे मैं बाइक को नीचे उतारने लगा वो एकदम से एक ईंट तो मैंने निकाली और दूसरी फिसली और सीधे धड़ाम बाइक नीचे। उसके पिछले दिन ही मैंने नया इंजन कवर डलाया था, बट एनीवेज इंजन कवर में बस स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं, शुक्र है वो फटा नहीं, बट ये टूट गए। ये विंग्स इस हिसाब से डिजाइन किए थे मैंने कि जब ये गिरती है बाइक तो ये थ्री पीसेस में डिवाइड होकर टूट जाते हैं, फाइबर को कुछ नहीं करते हैं, सो ये फाइबर बच जाता है। सो यार ऐसे ऐसे रोड्स में ना आरसी को भगाने का मजा जो है ना भाई लोग, वो किसी बाइक से नहीं आ सकता यार। एक तो ये इतनी लाइट वेट बाइक है ना, मतलब एज कम्पेयर टू हायर सीसी बाइक्स, सो उनको भगा तो सकते हैं पर उनकी कॉर्नरिंग पावर इतनी नहीं रहती है इसकी, तो ये साइकिल की तरह मुड़ती है यार पूरी की पूरी। यार देखो पूरी की पूरी बेंड हो के जाती है यार, ये मज़ा आता है इसको चलाने में।
सो यही मजा है भाई लोग आरसी का। पावर बहुत ज्यादा है इस बाइक में, उस पावर के हिसाब से इसका वेट बहुत कम है। पिसती हुई जाती है यार ये हर जगह। ये देखो चूतिए, शिट ब्रो, आई वाज अबाउट टू डाई। ओह माय गॉड, अगर मैं सच में बोलूँ ना, इस बाइक का एबीएस आखिरी टाइम पे ऑफ हुआ है। लाइक सीरियसली, वो गाड़ी सामने से आई ना, उसके पहले एबीएस ऑन था इस बाइक का, एंड एकदम से एबीएस ऑफ हो गया। इसका हैंड लाइट आ गई है एबीएस की यहाँ पे। तो पहले अभी तीन चार, मतलब जब से मैं चला रहा हूँ ना इस बाइक को, वन मंथ से इसका एबीएस ठीक चल रहा था, ठीक है। एज सुन एज गाड़ी सामने से आई, इसका एबीएस ऑफ हो गया एकदम से। मैंने जैसे ब्रेक लगाई ना, इसका रियर टायर पूरा का पूरा स्किट मार गया यार। तो अभी इसको ऑन ऑफ किया, अब एबीएस ऑन हुआ है फिर से। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज तो भाई मरवा देना था इस बाइक ने मेरे को। तो पता है गोप्रो में ना इतना स्पीड कैप्चर नहीं होती है, मतलब सामने से जिस स्पीड में मैं चला था ना, और जिस स्पीड में मैंने इसको कंट्रोल किया, रियर टायर ना ऐसे हो गई थी बाइक भाई, ऐसे ऐसे जा रही थी। सो मैं उस हिसाब से इसको, मैं एकदम से समझ गया कि एबीएस ऑफ हो गया इसका। तो मैं ब्रेक्स उस हिसाब से छोड़ रहा था इसकी, अगर मैंने छोड़ी नहीं होती मैं बच जाता भाई उस गाड़ी से उस टाइम पे। और वो स्पीड बहुत थी, मतलब गोप्रो में इतना रियलाइज नहीं होता ना, बट इन सामने, मतलब सामने के सामने ना एकदम फास्ट फास्ट हो रहा था सब कुछ। तो बंदा ना खज्जल हो जाता है कि टायर स्किट कर रहा है, ब्रेक छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, किस साइड को मोड़नी है बाइक। सो वो सब कैलकुलेशंस चल रही होती हैं दिमाग में यार। गोप्रो में ऐसे लगा हो कि गाड़ी आई है और रुक गया साइड में बस, बट इन रियल जो मेरी फटी है ना भाई, कांप रहा हूं मैं इस टाइम। मे बी सोनिक हमसे उदास है, ये हमें मारना चाहती है, हमारा खून पीना चाहती है। सो ये बोल रही है कि भाई अब मेरे को ट्रिप में लेके चलो, मेरे को घर पे नहीं रहना है आई थिंक, इसलिए ये नाराज हो रखी है। तो इसको ट्रिप पे लेके चलते हैं भाई नेक्स्ट मंथ कहीं। अभी चेन सेट डला के ना व्हील्स बहुत प्यारी उठ रही हैं, बट जो शॉकर है ना उसका, वो बोल रहा होगा भाई प्लीज बख्श दे मेरे को यार, प्लीज बख्श दे। एक ही शॉकर रह गया इसका, एक ही शॉकर रह गया बेचारी का। फाइनली गाइस घर पे आके मैंने पूरा पूरा इसको सेटअप कर दिया है, एंड यहाँ पे एम सील वगैरह एंड गोप्रो के माउंट वगैरह भी लगा दिए हुए हैं सारे के सारे। एंड ये आ गया इसका कैप्सूल यहाँ पे। सो ये यार ये यहीं पर फिट करना पड़ता है, दूसरे हेलमेट में भी मैंने यहीं पर फिट किया था ये। सो इसकी वजह से अब कोई भी, मतलब ग्लास वगैरह को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके, जो ये है गोगल जो है इसकी सन वाइज़र, सो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड ये भी पूरा पूरा प्रॉपर बैठ रहा है यहाँ पे। एंड ये जो इसका वाइज़र है ये भी मैंने चेंज कर दिया है, स्मोक वाइज़र है ये। सो ये वाला लगा दिया मैंने स्मोक वाइज़र, एंड इसके अंदर मैंने ये भी लगा दिया अपना। इंटरकॉम भी फिट कर दिया अपना, एंड अब मैं इसके अंदर म्यूज़िक वगैरह सुन सकता हूँ। सो अभी आपको म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ मैं। सो ऐसा कुछ हेलमेट दिख रहा है यार ये, एंड स्पॉयलर की वजह से ना चार चांद लगा दे रहा है ये हेलमेट। सो भाई गाने प्ले करके कुछ ऐसा लग रहा है ये। सो ये सब गाने प्ले वगैरह हो रहे हैं अंदर, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों साइड से गाने प्ले वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर। ये है ना जो स्पीकर पर खोल जाए, यहाँ से आ रही है आवाज़। सो यहाँ से मैं प्लेन पॉज कर सकता हूँ, जैसे अभी म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो यहाँ से मैं पॉज कर सकता हूँ। ये पॉज हो गया, ये प्ले हो गया, एंड नेक्स्ट ट्रैक करना तो ये ऊपर बटन हैं, ये नेक्स्ट ट्रैक हो गया, फिर नेक्स्ट ट्रैक हो गया, और रिवर्स ट्रैक के लिए भी है। एंड जैसे फ़ोन वगैरह आएंगे तो यहीं से पिकअप कर सकता हूं मैं, एंड यहीं से कैंसिल कर सकता हूं। सो काफ़ी कूल है, एंड काफ़ी कूल हो गया अब हेलमेट। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point. भाई वीडियो बना रहा था मैं, यहाँ पे शूट कर रहा था, तब उमर वगैरह साइड में। सो अपने भाई लोग मिल गया, हाय बोल दो यार कैमरे को। सो सारे सब्सक्राइबर हैं अपने, यहीं पे मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। सो बस यहीं पे ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, विल कीप यू गाइस वॉचिंग। बस यही।